दोस्तों, आलोक सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के आज अंदर जो है सीखने वाले हैं एलईडी क्रिस्टल क्यूब है, जो कि क्रिस्टल ब्लॉक भी इसको आप बोल सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं और पहले देखते हैं कि इसके किस ऊपर तरीके से आपसे आप आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा फोटो प्रिंट कर सकते हैं या नाम, लोगो, कुछ भी आप लोग इसके अंदर प्रिंट करके अच्छा सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों को मिलेगा ये। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए इस पे लव लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं किस तरीके से मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है लव। इसके ऊपर आप जो भी चाहेंगे यहाँ पर आप पर इजिली आप देख प्रिंट कर सकते सकते हैं। हैं। ये क्यूब है, इसके ऊपर आपको जो भी फोटो या लोगो कुछ भी आप लोग इसके ऊपर सब्लिमेशन के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं और इसको जो है अच्छा सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलईडी वाला, इसका ये लाइट का स्टैंड भी दिया गया है और इसके साथ आपको एक एडाप्टर मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए, ये एडाप्टर आपको मिलेगा जिसके पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लाइट यहाँ पर इसके ऊपर लग जाती है। इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिवर्सरी का है, ये देखिए हैप्पी एनिवर्सरी करके यहाँ पर आपको हैप्पी बर्थडे करके बहुत सारे आप लोगों को क्रिस्टल क्यूब में मिल जाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर लिखा रहता है, जब आप इस पे प्रिंट करेंगे सब्लिमेशन तब आपको यहाँ पर ये विजिबल होता है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पर लाइट लगाने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लाइट लगा यहाँ के पर आप चेक कर देख सकते लेंगे, हैं। कुछ इस तरीके से आप लोगों को क्रिस्टल क्यूब आपको मिल जाता है जिसके ऊपर सब्लिमेशन प्रिंट हम लोग करेंगे। तो ये देखिए ये लव वाला है, ये एनिवर्सरी है, बर्थडे का है, बहुत सारे कोटेशन फॉर ईयर का भी आता है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे आप लोगों को क्रिस्टल क्यूब मिल जाएंगे सब्लिमेशन के। तो हम लोग चलते हैं देर ना करते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर हम लोग पहले इसके लिए फ़ोटो को डिजाइन करते हैं। इसका बात साइज़ करें तो देख यहाँ लेते पर हैं, 2 इंच में दिखा रहा है, तो हम लोग 2.5 के करीब में इसको रख लेते हैं। और ये लंबाई की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 3 से ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 3.25 हम लोग इसको रख लेते हैं। इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर हम लोग पहले इसका डिज़ाइन जो है करेंगे फ़ोटो को। जो भी आपको लगाना है इसके ऊपर, एक पिक लगेगा, आप लोग चाहें तो इसके ऊपर कलर लगा सकते हैं या ब्लैक एंड वाइट, कुछ भी आप लोग इसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। और इसको जो है किसी भी मशीन में इसको आप हीट प्रेस में आप लोग इसको प्रेस कर सकते हैं और ये प्रिंट देखिए कर दोस्तों, सकते हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। हैं। जहाँ मैंने फ़ोटो को कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए मैंने फ़ोटो को डिजाइन करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फ़ोटो को डिजाइन किया हुआ है, जो कि सब्लिमेशन पेपर पर है और ये प्रिंट निकलेगा सब्लिमेशन पेपर पर सब्लिमेशन इंक की सहायता से। तो हम लोग फटाफट फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो फोटोशॉप पे डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग कोरल ड्रा या अदर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं तो उससे भी आप लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करते समय दोस्तों ये ध्यान देना होगा आपको कि इसको मिरर नहीं करना है, ये बिना मिरर किए ही ये सीधा जो आपका जो है प्रिंट आपको देना है, मिरर नहीं करना है इसको। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर नहीं किया है इस प्रिंट को और हम लोग इसको प्रिंट दे देते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पर प्रिंटर जो यूज करने वाले हैं, L130 को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसमें भी क्वालिटी दोस्तों बढ़िया आएगी, आप लोगों को केवल प्रिंटर की सेटिंग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A4 साइज़, और यहाँ पर आप देखिए चूंकि नॉर्मल लोगों के पास ज़्यादातर लोग A130 ही यूज करते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इस प्रिंटर में प्रिंट किया हुआ है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एप्सन मैट। क्वालिटी की बात करें तो हम लोग हाई क्वालिटी में इसको करने के बाद इसको प्रिंट दे देंगे, कुछ इस तरीके से नॉन मिरर प्रिंट होगा ये। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों का प्रिंट आउट जो है निकल चुका है। प्रिंट निकालने के पहले दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि इसको मिरर प्रिंट आपको नहीं निकालना है, ये नॉन मिरर प्रिंट रहेगा आपका। कहने का मतलब सीधा प्रिंट आपको निकालना है। हम लोगों का प्रिंट निकल चुका है, अब हम लोग इस तरीके से हम लोग बराबर में इसकी कटिंग कर लेंगे पहले। ये देखिए हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लिया है, आप लोग किसी पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको बढ़िया से साफ़ कर लेंगे, ये ऑलरेडी साफ़ रहता है लेकिन फिर भी आप लोग इसको बढ़िया से साफ़ करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको लॉक करना है आपको। ये देखिए जो भी फ़ोटो लोगो आपको इसके ऊपर प्रिंट करना है दोस्तों, आप लोग इसको जो है पेपर बेट के रूप में भी इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब आप लोगों ने देखा होगा पेपर बेट को भी बहुत सारे कस्टमाइज करके बनाए रहते हैं, तो आप लोग इजिली जो है जो भी आप चाहते हैं, जो भी फ़ोटो लोगो आप इस पे प्रिंट करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर डिजाइन करके सेट कर सकते हैं
और उसको अपने हिसाब से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग देर ना करते हुए इसको फटाफट पहले पेपर को सेट कर लेते हैं, सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको लॉक कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम लोग लॉक कर देंगे, बराबर में टेप हम लोगों को लगाना होगा। और ये ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को ये देखिए इस पर लव लिखा हुआ है, तो आप लोगों को प्रिंटिंग करते समय उल्टा सीधा देख करके तभी आप लोगों को इसको सेट करना है, क्योंकि एक टाइम ये प्रिंट हो जाएगा तो दोस्तों इसको दोबारा आप लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं। मार्केट में दोस्तों इसकी बहुत डिमांड है, बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आ रहा है अभी कि इसके लिए सर वीडियो बनाइए किस तरीके से प्रिंट होता है, कैसे ये निकलता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों से मिस ना हो। ये देखिए इस तरीके से करने के बाद आप लोग इसको टेप की सहायता से, सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको बढ़िया से लॉक करेंगे। ये देखिए अगर आप लोगों को इसको बाय करना है तो ये जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है इस पर आप लोग इजीली कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने लगा लिया है। अब हम लोग चलते हैं मशीन के ऊपर, जो भी मशीन है आपके ऊपर, कहने का मतलब 5-in-1 है, 16-24 है, 15-15 है, कोई भी हीट प्रेस मशीन है जो, उसके ऊपर जा करके हम लोग टाइम और टेम्परेचर सेट करें। हम लोग चलते हैं 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर, चूँकि नॉर्मल ज़्यादातर लोगों के पास 5-in-1 मशीन है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को 5-in-1 में इसको देखिए दोस्तों हम लोग 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग मशीन को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एलईडी क्रिस्टल क्यूब को प्रिंट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मोटा ग्लास टाइप में है। ये देखिए इसके लिए टाइम और टेम्परेचर को विशेष ध्यान रखना होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, यहाँ पर जब टाइम और टेम्परेचर रखेंगे, मिनिमम टेम्परेचर जो रहेगा आपका 355 और मैक्सिमम जो रहेगा 355, और टाइमिंग जो होगा दोस्तों ये होगा 100 सेकेंड। तो हम लोग इसको फटाफट बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए 100 सेकेंड हम लोग इसको कर देंगे। ये देखिए हम लोगों की मशीन हीट होना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर दो टेफ्रांस सीट का प्रयोग किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक नीचे लगा दिया है, उसके ऊपर ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्रिस्टल को रख दिया है, इस क्यूब को, इसके ऊपर फिर हम लोग एक टेफ्रांस सीट को रख, ये देखिए इस तरीके से हम लोग जो है इसको रख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन जैसे ही, ये देखिए हीट होने वाली है, जैसे ही बीप की आवाज़ करेगी हम लोग इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा प्रेस आपका इसको और ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे टच कर रहा है इस क्यूब में, मशीन ने बीप की आवाज़ कर दिया है। अब हम लोग जो है इसको क्यूब को बराबर में रखेंगे यहाँ पर, और इसको हम लोग थोड़ा सा मशीन को इस तरीके से घुमा करके यहाँ पर ले आएंगे। ये देखिए मशीन ने बीप की आवाज़ कर दिया है और हम लोग इसको प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा डाउन करेंगे इसको, जितने पे ये सेट हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर इसका देख सकते हैं। ये देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा दबाव देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से करना होगा दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही हीट है। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करना होगा, लेकिन दबाव ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ही बड़ा है ये, तो हम लोग जितने पे ये बराबर में प्रेस हो जाएगा उतने पे हम लोग इसको करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने प्रेस कर दिया है, लास्ट वाली बटन मैंने इसको प्रेस कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम चलना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होगा मशीन बीप की आवाज़ करेगी, हम लोग इसके अंदर, ये देखिए दोस्तों कुछ ही टाइम बचा हुआ है यहाँ पर आपका टाइम कंप्लीट होने में। जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होगा दोस्तों हम लोग इसके अंदर से क्यूब को निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड बचा हुआ है इसको प्रिंट होने में दोस्तों, एलईडी क्रिस्टल क्यूब को। तो हम लोग देखिए इसको, ये देखिए मशीन ने बीप की आवाज़ कर दिया है दोस्तों, इसके अंदर क्यूब हम लोगों का प्रिंट हो रहा है। हम लोग पहले मशीन को इस तरीके से ऑफ कर देंगे, ये देखिए ऑफ करने के बाद हम लोग इसको उठाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लव्स का प्रयोग करना होगा क्योंकि आपका क्यूब बहुत ही हीट होगा। ये देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा आपको प्रेशर को घुमा करके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको हटाएंगे। ये देखिए टेफ्लॉन सीट को हम लोग हटाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये आपका क्रिस्टल क्यूब जो है बहुत ही हीट है, यहाँ पर आपको ध्यान से उठाना होगा इसको। तो ये देखिए, ये देखिए जो पिक मैंने लगाई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है इसका। तो हम लोग पहले इसको जो है
यहाँ से ओपन कर लेंगे, जिसके जो जो पेपर लगा हुआ है हम लोग इसको हटा लेंगे पहले। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से हम लोग पेपर को पहले हटा लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ग्लव्स का प्रयोग करना है, बहुत ही हीट है ये। ये देखिए इस तरीके से हम लोग हटा लेंगे। यहाँ पर जो फोटो हम लोगों ने प्रिंट किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर अंदर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्लो हो रहा है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये साइड से आप देख सकते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आपको LED पे सेट करना है और पेपर बेट के रूप में आप लोग। ये देखिए दोस्तों, ये आपका ठंडा हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं LED क्रिस्टल, ये क्यूब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ये देखिए। और इसके साथ दोस्तों जो LED की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला आप लोगों को इस तरीके से फ्रेम मिलेगा, इसके ऊपर आप लोग इसको इजीली इस तरीके से सेट कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है इसको, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ एक एडाप्टर आपको मिलेगा, जिसके ऊपर आप लोग इसको जो है लगा सकते हैं। कैसे लगाना है चलिए हम लोग फटाफट इसको लगा देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को इसको कनेक्ट कर लेना है, इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम लोग इसको पावर में लगा देंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको पावर में पहले लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिक हम लोगों ने लगाई है इसके ऊपर, LED यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से LED का काम लगे। LED लगाने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये ग्लो करता है, चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं फोटो। ये देखिए इस क्यूब में इस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ता है, ये देखिए ये आप देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको पेपर बेट के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करना है हम लोग फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए इसको अगर हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पेपर बेट के रूप में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो फोटो पिक है प्रिंट है, और उसके बाद इस तरीके से आप लोग इसको रख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे बहुत सारे पेपर आप लोगों के पास रहते हैं, आप लोग इसके ऊपर पेपर बेट का काम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से पेपर को दबाने का काम आप इसमें घर पे आप लोग कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टल क्यूब को, ये लब आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए ऊपर से आप देख सकते हैं, ऊपर भी आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है पिक जो लगी हुई है यहाँ पर, आप लोग ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सब्लिमेशन के द्वारा ये फोटो प्रिंट किया गया। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इस तरीके से प्रिंटिंग आइडियाज़ के वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों से मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलता हूँ किसी नए प्रिंटिंग आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।